आदाब, बिजनौर खबर में आपका स्वागत है। देखिए आज की खास रिपोर्ट। जी आपका नाम क्या है? जी मेरा नाम खुशबू भारद्वाज है, मैं केपीएस कन्या इंटर कॉलेज की छात्रा हूँ। ये कोरोना वायरस चलते हुए क्या कहना चाहोगे आप? जी मैं इसके विषय में अपने कुछ विचार व्यक्त करना चाहूंगी। जी पता है। हे मेरी कुदरत, ये कैसा बदला तुम्हारा है। कोरोना घर घर फैले जा रहा है, तो कहीं टिड्डियों का झुंड मंडरा रहा है, तो कहीं बाढ़ भूकंप डरा रहा है, लेकिन व्यक्ति कुछ नहीं समझ पा रहा है। हे मेरी कुदरत, ये कैसा बदला तुम्हारा है। अब वातावरण शुद्ध हुआ तो व्यक्ति लाभ नहीं उठा पा रहा है, पर्यावरण शुद्ध हवा फैला रहा है तो व्यक्ति के चेहरे पर मास्क का पहरा है। तू नाराज तो है कुदरत, तू नाराज तो है कुदरत अपने इंसान से, नहीं तो मंदिर मस्जिद के दरवाजे यूं ही बंद ना होते। परंतु जहाँ जाते थे बच्चे, तुझे ही सुरक्षित रखने की सीख लेने कम से कम वो विद्यालय तो खुले होते। हे मेरी कुदरत, कैसा बदला तुम्हारा है। अब व्यक्ति व्यक्ति के काम तो आ रहा है, हमारा प्रशासन देश भी सहायता करता जा रहा है, परंतु तू नए नए भयानक कहर बजा रहा है। दूर दूर तक बसी बस्तियां हुए बर्बाद, फिर भी बंद नहीं हुआ कुदरत उससे मानव संवाद। हे मेरी कुदरत, कैसा बदला तुम्हारा है। वैसे तो व्यक्ति आत्मनिर्भर बनता जा रहा है और अपने कर्तव्य को निभा रहा है, लेकिन फिर भी कोई हल नहीं हो पा रहा है। जब पशु पक्षी बेघर फिरते थे तो कौन सुनता था फरियाद, परंतु हे कुदरत, तूने तो मेरी दुनिया के व्यक्तियों को ही बना लिया अपना शिकार। हे मेरी कुदरत, कैसा बदला तुम्हारा है। व्यक्ति अपनी गलतियों को अब समझ पा रहा है, जब कुदरत के दोहन से सबके मन में विषाद भरा जा रहा है। बस अब तो कोरोना से निपटने का एकमात्र सहारा है कि लॉकडाउन के नियमों का पालन किया जाना है। हे मेरी कुदरत, कैसा बदला तुम्हारा है। जय हिंद, जय भारत।